हेलो फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिक्स सिग्मा सिक्स सिग्मा क्या है इसका नाम का ऑरिजिन क्या है और कुछ सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड कंपनी के बारे में अपनी बात करेंगे तो सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज सो सिक्स सिग्मा क्या है तो बेसिकली दिस इज अ सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक जो कोई भी कंपनी को हेल्प करता है टू ग्रो करने के लिए बाय रिड्यूसिंग इट्स डिफेक्ट्स एंड एरर्स सो गोइंग फॉरवर्ड हम सब ने ब्रांड लॉयल्टी के बारे में सुना ही होगा आपको क्या लगता है कि आज के कस्टमर ब्रांड लॉयल हैं आई डोंट थिंक सो आज कस्टमर क्वालिटी लॉयल है भाई आज के डेट में क्वालिटी बोलता है जस्ट एग्जाम्पल देख मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ पहले हम सब नोकिया का मोबाइल यूज़ करते थे राइट right? तो अपने उस टाइम पर ब्रांड लॉयल थे बट आज क्या धीरे धीरे कौ, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स आ गए जैसे आप देख लोगे कि सैमसंग है एम आई है ऐप्पल है वो भी नए नए फीचर्स के साथ वो भी एडवांस्ड फीचर्स So ना कि अपने जाके सैमसंग का लेने लग गए एम आई का लेने लग गया कोई पूछता भी नहीं है तो so इसका मतलब क्या होगा वी आर नो मोर ब्रांड लॉयल्स बट वी आर क्वालिटी लॉयल सिग्मा का एम क्या है तो ये आपका जाके टाइम रिड्यूस करता है डिफेक्ट वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करता है प्लस इसमें वी एम की आपका डिफेक्ट जो है फोर डिफेक्ट्स है पर मिलियन इस पर डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स पे एंड दिस कॉन्सेप्टेड बाई दोटर एटी सिक्स पोस्ट उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था एंड स्लोली बाकी कंपनी भी इस मेथड को कर अडॉप्ट करने लग गई सो हियर आई कि अपने क्लास टेन और ट्वेल्व में आप लोग ने ये इमेज देखा होगा एंड आप लोग एक्स स्केल एंड जेड स्केल के बारे में जानते होंगे तो इसमें क्या होता है कि ये भी मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको ये भी पता होगा कि एक shift, एक एवरी शिफ्ट डेल्टा जब इंक्रीज करता है तो आपका एरिया जो कवर्ड होगा वो भी इंक्रीज करेगा तो इसमें अगर आपका प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री है तब ये इस एरिया में फॉल करेगा और डिफेक्टिव है तो इसमें फॉल करेगा इस केस में आप देख रहे हो कि माइनस टू से टू डेल्टा में दैट मीन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर टू सिग्मा में ऑपरेट कर रहा है देन उसका जितने भी डिफेक्ट फ्री होंगे यहाँ पर रहेंगे और डिफेक्टिव प्रोडक्ट बाहर में फॉल करेंगे ना अगर, अगर अपने कोई ना प्रोडक्ट का देखना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है वो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं मीन्स उसका डिफेक्टिव प्रोडक्ट कम रहे देन क्या करना पड़ेगा वी नीड टू इंक्रीज दी दैंडवेथ तो अपने इसको बैंडवेथ जो रेड लाइन से डिफाइन है उसको शिफ्ट करेंगे So we bring it to this end. So, अपने कितना भी शिफ्ट कर सकते हैं बैंडविट एंड तक ले जा सकते हैं इसका एक्सट्रीम एंड तक इसका कोई लिमिट नहीं है बट अपने को कहीं तो रुकना पड़ेगा सो so, सिक्स के वहां बोलते हैं कि आप इसको जो है ना सिक्स तक ले जाओ छः डेविएशन मूव करो और वहाँ पर रोक दो उस केस में आपका नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन 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 सिक्स परसेंट जो है खाली डिफेक्टिव प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट रहेंगे बाकी जो रहेगा वो डिफेक्टिव रहेगा क्योंकि उससे ज़्यादा आप ले जाओगे तो आपका एडिशनल कॉस्ट रहेगा लेकिन बेनिफिट में आपको क्या मिलेगा अभी जो आपको टेन लैक्स में सिर्फ चार डिफेक्ट हो सकता है तीन हो जाए दो जाए लेकिन एडिशनल कॉस्ट वो तो इंकर करना पड़ता है ना तो सिग्मा से इसकी आप डेविएशन मूव करो और उस लेवल में ऑपरेट करो तो so ये सिक्स वर्ड जो है ना सिक्स सिग्मा का वो ये सिक्स डेविएशन से आया है और डेल्टा जो है डेल्टा बेसिकली ग्रीक वर्ड है ये जो सिंबल है ना ये ग्रीक वर्ड है और इसको डेल्टा सिग्मा बोलते हैं ग्रीक वर्ड को और ये आपका जाके स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन करता है सो सो सिग्मा सिग्मा बेसिकली से आया प्लस डेल्टा तो ये आपका जाके इसका डेरिवेशन है वर्ड का अब ये जो अपने परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉज करके ये सब परसेंटेज है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी अगर मान लीजिए वन सिग्मा में ऑपरेट कर रही है तो क्या परसेंटेज रहेगा कितना डिफेक्ट रहेगा ऑल ये डिफेक्ट जितने अपने बात, बात कर रहे हैं दिस इज पर मिलियन मतलब कि टेन लैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं अब सिक्स सिग्मा सिक्सिकली पांच फेज का होता है इसको अपनी इनिशियल डीमैक दि, दि, बोलते हैं डी एम ए आई सी डी एम ए आई सी जो स्टैंड करता है डिफाइन मेजर एनालाइज इंप्रूव कंट्रोल डिफाइन में क्या करना पड़ता है कंपनी को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका कस्टमर का नीड क्या है देन उसको मेजर करना पड़ेगा उसका डिफेक्ट्स को फिर एनालाइज करना पड़ेगा डिफेक्ट का रीजन क्या है कोई भी आपका डिफेक्ट उसका मेन कॉज क्या है रीजन क्या है फिर आपको जो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए रूट कॉज वो रूट कॉज को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या क्या कंट्रोल्स लाने पड़ेंगे क्या-क्या क्या कैसे control, क्या, कैसे कंट्रोल आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं एक आपको पता चल गया कि क्या रूट कॉज है आप हटा सकते हो, आप उसके कर सकते हो। और ये ऑनगोइंग मेजर है ऐसा नहीं है कि आप एक बार कर दिए और आपको ऐसा नहीं है ये ऑनगोइंग मेजर है आपको फॉलो करना पड़ेगा we'll कि तो ये मुंबई डब्बा वाला है सरप्राइज उनका एग्रेसिव लेवल इतना अच्छा है ना कि उनको मंथ सर्टिफिकेशन मिल गया है आप इसको पॉज करके उनके बारे आ, 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 बाकी सब सर्टिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं पॉज करके इसको देख सकते हो फिर यहाँ पे लिस्ट है बाकी सब कंपनीज की जो सिग्मा सर्टिफाइड है लाइक अमेजोन हो गया एटॉस हो गया डेल हो गया जनरल इलेक्ट्रिक बैंक ऑफ अमेरिका कैटर ऑब्वियसली मैं मोटोरोला तो ही। तो आप यहाँ पे अगेन पॉज करके नाम देख सकते हो इसके साथ भी कंप्लीट आया टॉपिक अगर आपको कोई भी डाउट हो देन फील फ्री टू कॉमेंट And yeah, don't forget to like and subscribe our channel.